गुड मॉर्निंग स्टूडेंट बच्चों, आज मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का दोहरान कराने जा रही हूँ। आप इन्हीं प्रश्नों का दोहरान करिएगा, आपके परीक्षा में प्रश्न उत्तर इन्हीं प्रश्नों में से आएंगे। देखिए, पहला है सही वाक्य के सामने सही और गलत वाक्य के सामने गलत का निशान लगाइए। देखो, आपको सिर्फ क ग और का ही दोहरान करना है, ठीक है बच्चों? आपको सिर्फ क ग और का ही दोहरान करना है। देखो, ग वाला क्या है, ईश्वर की माया अनंत है। ये वाक्य सही है या गलत? ये वाक्य बिल्कुल सही है, ईश्वर की माया अनंत है, तो हम इस पे सही का निशान लगा देंगे। अब ग वाला देखो, ईश्वर की प्रशंसा का राग कोई नहीं गाता, क्या ये वाक्य सही है? बताओ, नहीं, ये वाक्य बिल्कुल सही नहीं है, ये वाक्य गलत है कि ईश्वर की प्रशंसा का राग कोई नहीं गाता। क्यों? क्योंकि ईश्वर का प्रशंसा का राग तो पूरा संसार गाता है। और देखिए, कवि के मन में ईश्वर के प्रति श्रद्धा नहीं है, क्या ये वाक्य सही है? ये वाक्य भी गलत है, तो आप इस पे गलत का निशान लगाइए। कवि के मन में ईश्वर के प्रति बहुत ही श्रद्धा है, ठीक है? तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि कवि के मन में ईश्वर के प्रति श्रद्धा नहीं है, तो ये वाक्य गलत है और हम इस पे गलत का चिन्ह लगाएंगे। अब आगे जाओ, अब इसमें हम करेंगे क ग और ड, ठीक है? क देखो, शिकारी एक झाड़ी के पीछे छिपकर बैठ गया, क्या ये सही है? हाँ, ये वाक्य बिल्कुल सही है, जो शिकारी था वो एक झाड़ी के पीछे छिपकर बैठ गया था। ग देखो, अब कबूतर पछताए कि उन्होंने अपनी मुखिया की बात क्यों नहीं मानी, क्या ये सही है? हाँ, ये वाक्य बिल्कुल सही है। अड़ा देखो, कबूतरों ने हिरण्यक को धन्यवाद नहीं दिया, नहीं, ये वाक्य गलत है, कबूतरों ने हिरण्यक को अंत में धन्यवाद दिया। अब प्रश्न उत्तर देखते हैं। देखो, आपको दो प्रश्नों का दोहरान करना है। ईश्वर को अनादि क्यों कहा गया है? देखो, ईश्वर को अनादि इसलिए कहा गया है क्योंकि ईश्वर का कोई प्रारंभ नहीं है। क्यों कहा गया है? क्योंकि ईश्वर का कोई प्रारंभ नहीं है। खा देखो, ईश्वर के हंसने की धुन कहाँ सुनाई देती है? तो देखो, ईश्वर के हंसने की धुन लहरों में सुनाई देती है। कहाँ सुनाई देती है? लहरों में। अब अगला देखिए, जगत को लीला कौन दिखा रहा है? देखो, जगत को लीला ईश्वर दिखा रहे हैं। कौन दिखा रहा है? ईश्वर दिखा रहे हैं। ख देखो, ईश्वर की दया का प्रसार किसमें देखा जा सकता है? तो देखो, ईश्वर की दया का प्रसार सागर में देखा जा सकता है। किसमें देखा जा सकता है? सागर में। दूसरा देखो, जंगल में आकर शिकारी ने क्या किया? तो देखो, जंगल में आकर शिकारी ने ज़मीन पर दाने बिखेर कर जाल बिछा दिया, क्या किया? शिकारी ने ज़मीन पर दाने बिखेर कर जाल बिछा दिया। ख देखो, कबूतरों के मुखिया ने अपने साथियों को क्या समझाया? देखो, कबूतरों के मुखिया ने अपने साथियों को यह समझाया कि यहाँ उतरना ठीक नहीं है, यहाँ ज़रूर कोई धोखा है। अगला देखो, किसके इशारे पर कबूतर जाल लेके उड़ गए? देखो, कबूतरों के किसके इशारे पर उड़ रहे थे? कबूतरों के मुखिया के इशारे पर। किसके इशारे पर उड़े थे बच्चों? कबूतरों के मुखिया के इशारे पर। मुखिया कबूतरों को किसके पास ले गया? देखो, मुखिया कबूतरों को अपने मित्र हिरण्यक चूहे के पास ले गया। किसके पास ले गया था? अपने मित्र हिरण्यक चूहे के पास, ठीक है?
अब आगे चलते हैं, आगे देखिए, इसमें से भी आपको केवल दो ही प्रश्नों का करना है। दो प्रश्न देखिए, एक तो क वाला, और एक घ वाला। देखो प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में सही विकल्प छाटिए। प्रश्न पढ़ना है और जो भी विकल्प सही है उस पर हमें सही का निशान लगाना है। देखो प्रश्न क्या है, अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने का माध्यम है। विकल्प देखिए, भाषा, लिपि, व्याकरण। क्या माध्यम है अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने का? भाषा। भाषा के द्वारा हम क्या करते हैं, अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। घ देखिए, इनमें से कौन सी भाषा अंतर्राष्ट्रीय है? देखो हिंदी, मराठी या अंग्रेज़ी। तो देखो जो अंग्रेज़ी भाषा है वो अंतर्राष्ट्रीय है, तो हम इस पर सही का निशान लगाएंगे। आगे देखिए, निम्नलिखित में सही विकल्प छाटिए। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? देखो अक्षर, वर्ण या शब्द। देखो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है वो वर्ण कहलाती है। क्या कहलाती है? वर्ण। तो हम इस पे निशान लगाएंगे, इसमें क और ख करना है आपको। अब देखो वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, पहला देखो दो, दूसरा तीन, तीसरा चार। तो वर्ण दो प्रकार के होते हैं, तो हम इस विकल्प पे सही का निशान लगाएंगे। आगे चलो, इसमें आपको क और ग करने हैं। क वाला देखो, हिंदी का निर्माण किस भाषा से हुआ है? देखो अंग्रेजी, अरबी या संस्कृत। देखो हिंदी भाषा का निर्माण संस्कृत भाषा से हुआ है। ग देखो, तत्सम शब्द किस भाषा से आते हैं? उर्दू, हिंदी या संस्कृत। देखिए तत्सम शब्द संस्कृत भाषा से आते हैं। किस भाषा से? संस्कृत भाषा से। तो इस पे हमने सही का निशान लगा दिया। अब फिर आगे चलते हैं, इसमें आपको करना है क, क, ख और घ। ठीक है, क देखो, मन के भाव भाषा के द्वारा ही प्रकट किए जाते हैं। क्या ये सही है? हाँ ये बिल्कुल सही है, तो हम इस पे सही का निशान लगाएंगे। प्रश्न क्या है कि दिए गए कथनों के सामने सही या गलत का चिन्ह लगाइए। तो क्या करना है, कथन पढ़ना है। अगर कथन सही है तो सही का चिन्ह लगाइए, और अगर कथन है तो और यदि कथन गलत है तो गलत का चिन्ह लगाइए। तो देखो मन के भाव भाषा के द्वारा प्रकट किए जाते हैं, ये कथन सही है, तो हमने सही का निशान लगाया। ख देखिए, रेडियो की भाषा लिखित होती है? नहीं बच्चों, रेडियो की भाषा मौखिक होती है, तो हम इस पर गलत का निशान लगाएंगे। हिंदी को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है? हाँ ये सही है, तो हम इस पर सही का निशान लगाएंगे। अगला देखिए, इसमें आपको ग और ग और ड करना है। नहीं, ग, ड और च तीनों ही करने हैं। अह को अनुस्वार कहते हैं? नहीं बच्चों, अह को अनुस्वार नहीं कहते हैं, तो ये गलत है, तो हम इस पर गलत का निशान लगाएंगे। अड़ा देखिए, किसी भी व्यंजन में अ नहीं लगेगा, ये भी गलत है, क्योंकि सारे व्यंजनों में अ का प्रयोग होता है। वर्णमाला में सभी वर्ण निश्चित क्रम में होते हैं? हाँ ये बिल्कुल सही है, वर्णमाला में सभी वर्ण निश्चित क्रम में होते हैं। अब देखिए, अब इसमें आपको घ, ग और क करना है। लड़का एक सार्थक शब्द है? नहीं ये गलत है, तो इसमें हम गलत का निशान लगाएंगे। अर्थ के आधार पर हिंदी में शब्दों के तीन प्रकार होते हैं, ये भी गलत है। अर्थ के आधार पर हिंदी में शब्दों के दो भेद होते हैं, कितने? दो। घ देखिए, पानी वाणी में वाणी एक निरर्थक शब्द है?
बिल्कुल सही। पानी वानी में वानी एक निरर्थक शब्द है क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा। ठीक है, अब अगला देखते हैं। दिए गए वर्णों को मिलाकर एक संयुक्त व्यंजन बनाइए। क और श मिलकर क्या बनेगा? श श और र मिलकर बनेगा श्र। त और र मिलकर बनेगा त्र। ज और ण मिलकर बनेगा ज्ञ। ज और ञ मिलकर बनेगा ज्ञ। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों हमने इसका दोहरान किया। आप भी निम्नलिखित प्रश्नों का दोहरान कीजिए। क्यों? क्योंकि ये प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और जो प्रश्न परीक्षा में आने वाले हैं वो इन्हीं में से आएंगे, तो इनका अच्छे से दोहरान करिए। धन्यवाद।